حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمنافقين अस्सलातु वस्सलामु अला सैयदिना व नबीना व शफीए ज़ुनूबिना व तबीबे कुलूबिना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على احبابهم وشيعتهم ومواليهم اجمعين ولعنة الله على اعدائهم الملعونين اما بعد فقط قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمه بزعت مني من احبها فقد احبني ومن احبني فقد احب الله ومن اذاها فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله بلند صلوات پڑھ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी हुसैनियत मिलके बोलो हुसैनियत अपनी ईमान का ऐलान करो हुसैनियत अकीदों का इजहार करो हुसैनियत नेकियों का वादा करो हुसैनियत सीरत आले मोहम्मद अले मुसलम पर चलने का अहद करो पूरी ताकत से जवाब दो हुसैनियत कुरान और आले बैत से मोहब्बत के दम भरें पूरी जुर्रत से जवाब दें हुसैनियत यजीदियत 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 बुलंदर सलावात मेरे साथ काबिल एहतराम बुज़ुर्गों अज़ीज़ दोस्तों अरबों का बद्दू तरीन मुआशरा बदमिजाज मुआशरे के बदमिजाज लोग कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा इस कदर गलाजत से भरा हुआ मुआशरा कि जिसके अंदर ना आदम की बात थी ना आदमियत की ना इंसान की बात थी ना इंसानियत की ना हक की बात थी ना हक का नियत की बरहना तवाफ़े बेतुल्लाह करने वाले हाथों से तराशे हुए बुतों को पूजने वाले शराब को पानी की तरह पीने वाले जब उस बद्दू मुआशरे को मेरे रब ने संवारने का इरादा किया ये ज़ात को मुसल आज़म बना कर भेजा क़ुरान उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहता है और वो मुआशरा इसलिए भी रजील था कि उसमें सबसे बड़ी कबाहत ये थी कि उस मुआशरे के अंदर औरत का कोई मकाम व मयार न था माँ हो या बहन जौजा हो या बेटी उसके हक को सल्ब किया जाता उसके हुकूक़ का इहतिसाल किया जाता आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस कदर शफाक और दरिंदे थे
कि अगर बेटी पैदा होती या तुम्हारे शर्म के घरों से बाहर न निकलते। और कुछ इससे भी बड़े सफाक थे जो अपनी ही बेटियों को जिंदा तर गौर करते। फिर मेरे पाक रब ने जब उस बद्दू मुआशरे के अंदर औरत के मकाम व मयार को वाज़े करना चाहा तो मोहम्मद की गोद में उसे भेजा जिसे अल्लाह खुद फातिमा कहता है। मोमिनीन अल्लाह का अरसाज है, अपने कामों में किसी की मुदाखलत को पसंद नहीं करता। इज़ा अराद अल्लाह बिशय, जब वो किसी शय का इरादा करता है, फयकूल तो वो कहता है कुन हो जा, फयकून तो चीज़ें हो जाती हैं। थके तने पे बैठे अल्लाह, उसका कोई मुशीर नहीं है, लैस लहू निद वला मुशीर, उसका कोई मददगार नहीं है, वो अपने कामों में खुद मुख्तार है, वो किसी से मशवरा नहीं लेता। और इसी बात का अंदाज़ा कुरान की इस आयत से लगा सकते हो कि पूरी जुर्रत के साथ कहता है अल्लाह खालिक कुल शई, तेरा अल्लाह है जो हर शय का खालिक है। आसमान के छत से लेकर ज़मीन के बिछोने तक, सूरज की रोशनी से लेकर चांद की धमक तक, समंदरों की तुगयानी से लेकर दरियाओं की जवानी तक, आसमान की फ़जाओं में उड़ने वाले परिंदों से लेकर ज़मीन की तेहों में छुपे हुए कीड़ों तक, हज़रत इंसान से लेकर हज़रत मलाइका तक, नबियों की नबुव्वत से लेकर वलियों की विलायत तक, जो हर शय को पैदा करे उसको अल्लाह कहा जाता है। लेकिन मोमिनीन ये बात भी अपनी जगह पे बरहक है कि वो जो हर शय को खल्क करने वाला है, वो खल्क करके फरमाता है कुछ भी ना बनाता, न चिरिन न परिंद न मोंगे न मोती न पहाड़ न दरिया न सूरज न चांद न सितारे, कुछ भी मैं अल्लाह पैदा ना करता, ऐ जहरा का बाबा अगर तेरा नूर पैदा ना करता। और अब देखिए कि इतनी बड़ी कायनात बना के कहते हैं मैंने सब कुछ मुस्तफा के लिए बनाया, बेटे देता है तो मुस्तफा के सदके में, बेटियों वालों को बेटियां देता है तो मुस्तफा के सदके में, दोनों अता करता है तो मुस्तफा के सदके में, 90 साल की उम्र में इब्राहिम को बेटे की खुशखबरी देता है तो मुस्तफा के सदके में, मरियम के पास जिब्रील को भेज कर कहता है मरियम तुझे बेटा दूंगा, हैरान होकर कहती है मेरे अल्लाह मेरे यहाँ कैसे बेटा होगा, लम यम संसरी यश बशरुन, मुझे तो किसी मत ने नहीं छुआ, मेरी तो शादी नहीं हुई है, आवाज़ आई यही तो मेरी कुदरत का करिश्मा है। कितना कारसाज है जिसके सदके में पूरी कायनात को बेटे देता है, उस मोहम्मद को भी बेटे देता है, फिर देकर वापस ले लेता है और उस माहौल में वापस लेता है जहां अरब के बद्दुओं की 10 बर जबानें खुली हुई हैं। कोई कह रहा था मोहम्मद के दीन का क्या बनेगा, कोई कह रहा था मोहम्मद के कुरान का क्या बनेगा, कोई कह रहा था मोहम्मद के इस्लाम का क्या बनेगा, कोई कह रहा था मोहम्मद की शरीयत का क्या बनेगा, इसलिए कि मोहम्मद की औलाद नरीना तो रही नहीं है, मेरे 10 बेटे मेरे 8 बेटे मेरे 15 बेटे मेरे 20 बेटे। उस वक्त मेरा अल्लाह 3 आयतों को भेज कर कह रहा है इन्ना आतैना कल कौसर, मेरा मोहम्मद घबरा नहीं, हमने जहरा की सूरत में तुझे कौसर अता की है, फसल ले रब्बिका वनहर, रब की नमाज भी पढ़ कुर्बानी भी कर, इन शानिका हुवल अबतर, तुझे बेनामो निशान कहने वाले दुम बुरीदा रह जाएंगे, बेनस्ले रह जाएंगे, बे निशान रह जाएंगे, तेरा नाम भी बाकी रहेगा, तेरा काम भी बाकी रहेगा। चकवाल वालों 1400 साल गुजर गए, आओ जरा इस मजलिस में बैठ के तजजिया करते हैं, कहां गए बेटों वाले, कहां गया अबू लहब, कहां गया अबू जहल, कहां गया उतैबा, कहां गए अरब के सूरमा, कहां गए बनू उमैया के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, सब मिट गए, अपनी जहन्नमी कब्रों का ईंधन बन गए। बेटी वाला मोहम्मद कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद।
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। घबराए तो नहीं बैठे मेरी बातों से? और याद रखिए, अल्लाह ने वो बेटी अता की, अताए परवरदिगार है फातिमा जहरा, रब का सबसे बेहतरीन अतिया है फातिमा जहरा। मेरे छठे इमाम से पूछा गया, यबना रसूलल्लाह आपकी जद्दा की अजमत क्या है? फरमाया मेरी जद्दा की अजमत के लिए इतना ही काफी है, लिल फातिमा तिस्सतो अस्माइन इंदल्लाह, जिस बीबी के नौ नाम अल्लाह खुद रखे मोहम्मद की, उस बेटी को फातिमा कहा गया। एक दो नाम नहीं, मुतवज्जे रहना मेरी बातों पर। फातिमा, सिद्दीका, ताहिरा, जकिया, राजिया, मुबारका, मर्जिया, मुहद्दिसा, घबराए तो नहीं बैठे। और एक एक नाम पे अगर बात की जाए, फातिमा क्या माना है? फरजंदे रसूल आपकी जद्दा को फातिमा क्यों कहते हैं? फरमाया इसलिए कि मेरी दादी के नाम के मानी है बचाने वाली। मौला किस को किस से बचाने वाली? फरमाया अपने शीहों को जहन्नुम की आग से बचाने वाली। नहीं मौला, साहिल प्यासा है, साहिल वजाहत चाहता है, साहिल तिश्ना है। मौला कुछ इस नाम की और वजाहत फरमाइए जो इमाम ने वजाहत फरमाई। सुनो भाई, अब आप फरमाया सुनो, जब माशर का मैदान सजेगा मेरे जद, रसूल खुदा फरमाते थे जब माशर का मैदान सजेगा मेरी दादी जहरा जन्नत के दरवाजे तक जाकर रुक जाएगी। कहाँ माशर, कहाँ जन्नत? बिनते पैगंबर रुकेगी, अहले माशर की तरफ रुखे अनवर होगा। दोनों हाथों को बुलंद करके, शिया देखना, दोनों हाथों को बुलंद करके मेरी जद्दा अल्लाह के हुजूर अर्ज करेगी, इलाही व रब्बी व सैयदी, मेरे माबूद, मेरे रब, मेरे सरदार, सब मई तनी फातिमा, तूने मेरा नाम फातिमा रखा है? अल्लाह कहेगा हाँ बिनते मोहम्मद, मैं अल्लाह ने तेरा नाम फातिमा रखा है। तो मेरी जद्दा कहेगी ओ मेरा नाम फातिमा रखने वाले, आज फातिमा मांगने आई है, आज फातिमा मांगने आई है, बता मेरे मोहम्मद की बेटी क्या मांगती है? तो आवाज आएगी, ऐ मेरे अल्लाह, फतम तबी मन तवल्लानी व तवल्ला ज़ुर्रियतनी मिनन नार, आज फातिमा मांगने आई है, उसको भी जहन्नुम से बचा लेना जो मुझसे मोहब्बत करता है, उसको भी बचा लेना जो मेरे बच्चों से मोहब्बत करता। दोस्तों ये आम मानी नहीं है, आम नाम नहीं है। बच्चा पैदा होता है ना, अब भी जहालत बिक रही है। मौलाना जंत्री ढूंढिए, हमने बच्चे का नाम रखना है। छोड़ दो ये जंत्रियों मंत्रियों के चक्कर, कब तक जंत्रों मंत्रों से बाहर निकलोगे? ओ मशिया, तेरा मजहब जंतर मंत्र का मजहब नहीं, तेरा मजहब कुरान और 14 के फरमान का मजहब है। मेरे ख्याल नाराज हो गए हो शायद। निकलो जंत्रों मंत्रों से बाहर। सबसे कमाल, रब ने 14 नाम पैदा किए अल्लाह की जमीन पर, इन 14 से बड़ा कोई नाम नहीं है। याद रखना, सितारों को वो ढूंढे जिनको कोई नाम न मिले। अल्लाह ने तुझे मुस्तफा से लेकर मोहम्मद महदी तक ऐसे अजीम, खूबसूरत, पाकीजा, रोशन नाम अता किए हैं। सितारे न थे, ये नाम मौजूद थे। दुनिया न थी, ये नाम मौजूद थे। और तू बाकमाल बनना चाहता है, इन्हीं नामों में से कोई नाम सिलेक्ट करके अपने बच्चे का रख दे। अल्लाह ने इन नामों में वो बरकत अता की है, जब तक तेरे बच्चे का नाम बाकी रहेगा अल्लाह उसे बरकत ही बरकत अता फरमाता है। मोहम्मद से बड़ा नाम कौन सा है? अली से बड़ा नाम कौन सा है? मैंने कहा, जब लोगों की मंतिक सुनी है, कहा जी ऐ पारा ना है, मासूम का नाम भारी नहीं होता, मासूम का नाम बरकत का जरिया होता है। छोड़ो गल्ला, पहाड़ी नाम है, अल्लाह ने कितने प्यारे नाम, खुद फातिमा, मेरे सातवें इमाम हजरत इमाम मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला यदखुलुल फक्र, कितने लोग शिकायत करते हैं
फकर नहीं जाता, गुर्बत नहीं जाती, तंगदस्ती नहीं जाती, परेशानी नहीं जाती। मेरे सातवें इमाम फरमाते हैं, सुन्ना मोमिनीन मौला का फरमान, फरमाया ला यदखुलुल फक्र फी बैतिन फी इस्म मुहम्मद व फातिमा मिनन निसा का, जिस घर में बच्चे का नाम मोहम्मद रखा जाए, बेटी का नाम फातिमा रखा जाए, उस घर में कभी फक्र फाका आ ही नहीं सकता। एक नाम है बीबी का फातिमा, थके तन्ने में बैठे भाई। दूसरा नाम है सिद्दीकतुल कुबरा, अली का नाम है सिद्दीक अकबर, सैयदा का नाम है सिद्दीकतुल कुबरा। लोग जिसको मर्जिया बनाए, हमें कोई झगड़ा नहीं है और हम किसी से लड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन यह फर्क वाजे है, जिसे लोग बनाए उसका मायार और होता है, जिसे अल्लाह बनाए उसका मायार और होता है। आठ माने लिखे हैं, अगर आप थके नहीं बैठे और आपकी तबीयतों पे गरा नहीं गुजर रहा तो सुनिए। सिद्दीका किसे कहते हैं? सच बोलने वाली। फरमाया नहीं, ये माना बहुत पीछे है, सैयदा की जात इससे आगे है। सिद्दीका जिसकी जिंदगी में कभी झूठ आया ही ना हो, का नहीं ये माना भी पीछे है, सैयदा की जात इससे भी आगे है। सिद्दीका जो अपना हर मामला अपने अल्लाह के सपुर्द कर दे, का ये माना भी पीछे है, सैयदा की जात इससे भी आगे है। सिद्दीका जो अल्लाह उसके रसूल और उसके वली की मुतिया बन के जिंदगी गुजारे, का ये माना भी पीछे है, सैयदा की जात इससे भी आगे है। और कमाल माना लिखा, सिद्दीका जो मोहम्मद की रिसालत में रिसालत की मुहाफिजा रहे और अली की इमामत में विलायत की मुहाफिजा रहे। बीबी और एक नाम है बीबी का मुअज्जमा, इसका माना है वो बीबी जिसकी ताजीम की जाए। क्यों बीबी को मुअज्जमा कहा गया? बहुत बड़े आलिम गुजरे मेरे मकतब के, सैयद मोहम्मद काजिम कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह का, जब पैगंबर के घर बीबी आती थी ना, पैगंबर की एक ज़ौजा सवाल करती है, या रसूल अल्लाह मुझे आपकी दो बातें समझ नहीं आती, आप सैयदुल अंबिया हैं, आप सुल्तानुल अंबिया हैं, आप खत्मी रुसल हैं, आप वजह तखलीक कायनात हैं, आप बाबा हैं, जब जहरा मेरे हमारे घर आती है तो आप अपनी मसनद छोड़ के चंद कदम आगे जाते हैं और आगे जाकर तकब्बला जब हता, जब पैगंबर आगे बढ़ते बीबी की पेशानी का बोसा लेते और फिर अजल सहाफी मजलिस से ही सैयदा को वहां बिठाते जहां पैगंबर खुद बैठे होते। पैगंबर की जौजा कहती, या रसूल अल्लाह मुझे दो चीजों की समझ नहीं आई, आगे बढ़कर जहरा का इस्तकबाल क्यों करते हैं, जहरा की पेशानी का बोसा क्यों लेते हैं? फरमाया खुदा की बंदी, जब जहरा मेरे घर आने का इरादा करती है, जहरा बाद में आती है, जिब्रील पहले आ जाता है। और आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, रब कह रहा है अपनी मसनत छोड़ दो, अल्लाह के नबी अपनी मसनत छोड़ दो, अल्लाह के नबी मेरी कनीज तेरी मुलाकात के लिए आ रही, अपनी मसनत छोड़ दो। अल्लाह का हबीब, मेरी जहरा तेरी मुलाकात के लिए आ रही है, अपनी मसनत छोड़ दो। या रसूल अल्लाह, ये तो समझ आ गया कि अब सैयदा की पेशानी का बोसा, अब सैयदा का इस्तकबाल हुक्मे खुदा से करते हैं, पेशानी का बोसा क्यों लेते हैं? जब भी मुझ मोहम्मद को जन्नत की खुशबू की तलब होती है, मैं जहरा की पेशानी का बोसा लेकर जन्नत की खुशबू महसूस करता, मैं सैयदा की पेशानी का बोसा लेकर जन्नत की खुशबू महसूस करता हूं। मोमिनीन किराम, रसूल के बाद इस उम्मत ने इस जन्नती फूल के साथ बड़ा बुरा सलूक किया। कौन जहरा है? वसीला बनाओ बीबी को अपनी दुआओं में, अपने घरों में जिक्र सैयदा लाओ, अपनी नस्लों को बताओ कि मोहम्मद की बेटी का मकाम क्या है।
अपनी औलादों को सैयदा के हक से रुशनास करो। मैं एक आलिम में बुजुर्गवार की गुफ्तगू सुन रहा था, हजरत अल्लामा उस्तादुल उलमा सैयदुल उलमा सैयद मोहम्मद यार शाह नकवी आलल्लाहु मकामहू नव्वरल्लाहु मरकदहू। जब जिंदगी की आखिरी सांसें सैयद की चल रही थी ना किबला, आखिरी सांसें जब चल रही थी ना, रो रहे थे सैयद सैयद मोहम्मद यार शाह, कितना बड़ा नाम है, रो रहे थे। आलिम एक आलिम बुजुर्गवार पाक पास खड़े थे, पूछने लगे किबला क्यों रो रहे हो? कहने लगे मुझे बख्शिश का सामान नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा किबला, आप इतने बड़े आलिम हैं, इतने हजारों आपने शागिर्द पैदा किए। फरमाने लगे तनख्वाह ले लेता था, कैसे मैं अपनी उस तदरीस को अल्लाह के हुजूर बहाना बनाऊंगा। का किबला आपने मजालिस पढ़ी, दर दर गए, गली गली, गांव गांव, करिया करिया। कहते हैं मैं मजलिस की नियाज ले लेता था, कैसे कहूंगा मेरे अल्लाह मेरे मजलिस को मेरी बख्शिश का जरिया बना। का फिर कुछ देर से ये चुप हो गए, कुछ लम्हों के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट आई, कहा हां एक अमल मुझे याद है कि मैंने आज तक अपनी दादी जहरा के दुश्मनों को अच्छा नहीं समझा। अमोमिनो ईरान, बस आखिरी जुमला कहने लगो मेरे भाई बुजुर्गवार तशरीफ ले आए। ईरान का एक आलिम है जर्मन में, ये सोशल मीडिया पर क्लिप बहुत चला, जर्मनी में गए वो मजलिस पढ़ने के लिए। फरमाते हैं दो मुहर्रम थी जब एक शख्स मेरे पास आया, बड़ा सूटेड बूटेड, और मुझे कहने लगा मौलाना मेरे घर आकर जनाब सैयदा के मसाए पढ़ सकते हो। कहते मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता, आपकी मुअरफी नहीं है। बानी ने मुअरफी कराई, वक्त तय हो गया, सात मुहर्रम को मैं उसके घर गया, महल नमा उसका घर था। कहते हैं जब मुझे मैं गाड़ी से उतरा तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा सात मुहर्रम है, हुसैन की शहादत क्यों नहीं सुनना चाहता, अली अकबर क्यों नहीं सुनना चाहता, कासिम क्यों नहीं सुनना चाहता। कहा मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ा के कहने लगा मौलाना अगर आपने जनाब सैयदा के मसाइब नहीं पढ़ने तो चले जाओ। कहा मैं बड़ा हैरान हुआ, आखिर इस शख्स की ऐसी क्या मजबूरी है कि ये सात मुहर्रम को जनाब सैयदा के मसाइब सुनाते हैं। हमारे लोग तो मैयार कायम करते हैं जी आज ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तुम्हें नहीं पता अगर मोहम्मद की जारा का हया किया जाता जैनब की चादर न लुटती। फरमाते हैं मैंने कहा है जवान मुझे पढ़ने में आर नहीं है, फकत मुझे इतना बता कि तू आज सात मुहर्रम को जनाबे सैयदा के मसाइब क्यों सुनना चाहता है। कहा मेरी एक ही बेटी है, लाइलाज मर्ज में मुब्तिला हो गई, दुनिया के हर डॉक्टर के पास गया मेरी बेटी का इलाज न मिला, इंग्लैंड के बहुत बड़े डॉक्टर के दस्तक दी नहीं इलाज मिला। कहता मेरी बेटी के ने चलना फिरना छोड़ दिया, बिस्तर पे लग गई, डॉक्टरों ने कहा दो हफ्ते से ज्यादा इसके बचने की उम्मीद नहीं है। कहते मेरे घर में एक सैयदादी बुढ़िया अलवी काम करती थी, मुझे मायूस देखा ना तो कहने लगी ए घर के मालिक, क्रिश्चियन था ईसाई था, कहने लगी मैं तुझे एक डॉक्टर बुला दूं। मैं तुम्हें एक डॉक्टर बुला दूं। मैंने कहा बुढ़िया क्या मजाक करती है, मैंने दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों को के पास गया मेरी बेटी का इलाज नहीं मिला, तू कहां से बुलाएगी।
कि जब बुढ़िया ने कहा ना कि मेरा डॉक्टर बड़ा पहुंचा हुआ है, कि मैंने तंगो तंग आकर मैंने कच्चा बुला बता तेरा डॉक्टर कहाँ रहता है। रो कर वो बुढ़िया कहने लगी मेरा डॉक्टर मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी में रहता है। कहा मुझे उसके मतलब का पता बता, टेलीफोन बता। कहा नहीं, उसे इस तरह नहीं बुलाया जाएगा। कहा मुसल्ला उस बीबी ने बिछा लिया, रोने लगी और उसके लफ्जों में कोई ऐसा दर्द था, रो रो कर कहती थी या फातिमतु जहरा या मौलाती। का तड़प कर वो बीबी कहने लगी दादी जहरा मैंने तुझे मुश्किल वक्त में पुकारा है, दादी मुझे रुसवा न करना, दादी मैंने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। सैयदा को अपनी दुआओं में वसीला बनाइए, सैयदा को अपने घरों में लाइए। चकवाल वालों, अपनी औलादों को मोहम्मद की बेटी का दुख समझाएं। का वो बीबी तड़पने लगी, बस आखिरी जुमला में यही मेरा मसाइब है, तड़पने लगी। का इतनी रोई इतना गिरिया किया कि मुझे महसूस हुआ इस बुढ़िया की रूह जिस्म से निकल जाएगी। कहता है इधर बुढ़िया की शिद्दत गम बढ़ा, उधर मेरी बेटी रोती चीखती अपने बिस्तर से दौड़ती मेरे साथ आके लिपट गई और लिपट कर कह लगी बाबा वो बीबी कहाँ गई है जो अभी अभी मेरे कमरे में बाबा वो बीबी कहाँ गई है जो अभी अभी मेरे कमरे में आई थी। कहा मैंने कहा बेटा कोई बीबी तेरे कमरे में नहीं आई है, मैं देख रहा हूँ। कहा नहीं बाबा एक बीबी मेरे कमरे में आई थी। कहा जब मेरी बेटी का सरार बढ़ा ना तो मैंने कहा बेटा बता कौन आया था। कहा बाबा एक बीबी आई थी जिसका हाथ अपने पहलू पे था। बाबा मुझे रो रो करके क्या रो रो कर अपनी किसी बेटी को कह रही थी मेरी बेटी तूने मुश्किल में बुलाया है। बाबा वो बीबी मेरे सराहाने खड़ी हो गई, बाबा उस बीबी ने अपना हाथ मेरे चेहरे पे मला, बाबा चेहरे से मेरे बतन तक हाथ फेरती गई, मेरा दर्द दूर होता गया, मेरी तकलीफें दूर होती गई, मेरी परेशानियां टल गई। कहा मैं उससे ये जादी अलवी बुढ़िया की तरफ दौड़ा, बीवी बता तूने किसको बुलाया था। कहा मैंने उसको बुलाया था जिसको मोहम्मद मुबाले में लेकर गया था, मैंने फातिमा जहरा को बुलाया था। ओ मोमिना वही कलमा उसने पढ़ लिया, वही पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और शिया ने हैदर करार सैयदा को नाराज न कर ला, अपनी नस्लों को बीवी की इज्जत बता ला, इसलिए कि उम्मत ने जहरा को बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। इतना तो मारा ना कि बाबे की कब्र पे अपने आप को गिरा कर कहती थी बाबा उठ देख जहरा लुट गई है, बाबा मेरा मोहसिन मारा गया, बाबा मेरा दरवाजा जल गया, बाबा मेरा पहलू टूट गया, बाबा तेरे बाद लोगों ने मुझे इतना सताया। आ सुबह चलैया मसाइब अल्लाह, सुबह चलैया में सिर न लया लिया। बाबा तेरी जहरा पे वो मुसीबतें आई, अगर रोशन दिनों पे आती तारीख रातों में बदल जाते। दारो ये आखिरी लफ्ज सुन ले ला, अल्लाह ना करे दुआ मांगो इसी मजलिस में बैठकर कोई माल ला इलाज मर्ज में मुबतिला ना हो जाए। ये तुम्हारी दुनिया का दस्तूर है दोस्तों, जब कोई बीबी ला इलाज मर्ज में मुबतिला हो जाए ना, तुम कहा माए क्या करती हैं, डॉक्टर कहे बचने की उम्मीद नहीं है, माए मुसल्ला बिछा लेती हैं, रो रो कर कहती हैं ओ अय्यूब को यूसुफ मिलाने वाले अल्लाह, और इस्मा इब्राहिम के लिए इस्मा बचाने वाले अल्लाह, मुझे मौत न देला, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मौत न देला। और चकवाल के गयूरों मुझे ईमान से बताओ, जिसकी छोटी सी ज़ैनब है, जिसके छोटे छोटे हसनैन है, रो रो कर क्यों कह रही थी अल्लाह उम्मा अज्जिली वफादी, मेरे अल्लाह मुझे जल्दी मौत दे, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मेरे अल्लाह मुझे जल्दी मौत दे। इन्ना लिल्लाहि
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ.